ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म। सिवान रेलवे स्टेशन पर चेन पुलिंग कर यात्रियों ने रोकी ट्रेन। अवध आसाम एक्सप्रेस से महिला यात्रा कर रही थी, तभी ट्रेन के अंदर ही महिला ने एक बच्चे को दिया जन्म। दरअसल बता दें कि अवध आसाम एक्सप्रेस को गुरुवार सुबह यात्रियों ने चेन पुलिंग कर सिवान रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। चेन पुलिंग की सूचना लगते ही स्टेशन स्टाफ में हड़कंप मच गया। ट्रेन रुक जाने के बाद कर्मचारी पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार गाड़ी संख्या 15910 अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन सिवान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची ही थी कि तभी किसी यात्री ने चेन पुलिंग कर गाड़ी रोक दी। ट्रेन ACP में खड़ी हो गई। S1 कोच के बर्थ संख्या 20 पर एक महिला विभा देवी पत्नी विमलेश कुमार ग्राम टेपरी थाना पियर जिला मुजफ्फरपुर उम्र लगभग 28 वर्ष ने एक बच्चे को जन्म दिया है। डिलीवरी होने के कारण यात्रियों ने चेन पुलिंग कर दी। यात्री बहादुरपुर से समस्तीपुर तक यात्रा कर रहे थे, सिवान पहुंचने से पहले ही डिलीवरी हो गई। ट्रेन में महिला की डिलीवरी होने की सूचना स्टेशन मास्टर सिवान मेडिकल मदद के साथ पहुंचे, लेकिन परिजनों ने उतरने से मना कर दिया और इसी ट्रेन से महिला को लेकर चले गए। वहीं ट्रेन के अंदर बच्चे के जन्म के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रेन के अंदर बच्चे का जन्म में कोई नई बात नहीं है, ऐसे ऐसे मामले समय समय पर सामने आते रहते हैं।